कर्मचारियों को दो दो तरफिया और एक एक साड़ी वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। कर्मचारियों, हमारे महाराज का आदेश है कि आप लोगों के हित एक एक साड़ियां दो दो असरफिया अपना इनाम लीजिए और अपने घर को रुखसत हो जाइए। ठीक है राजा, आपकी रियायत, आपकी पूजा, आपके नाम का जज शाबाश द्वारपाल। द्वारपाल बाबू, आज तुम्हारे मुख से शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और द्वारपाल, कहने वालों ने कहा भी है बजे ताली युगल स्वर से जो नियम नहीं सदा से हो, जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से हो। द्वारपाल, जिस देश की प्रजा खुशहाल है तो वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा, अगर वहां की प्रजा दुखी है तो वहां का सम्राट सदैव दुखी रहेगा। क्यों नहीं रहे, पहले वाले ने कहा है कि जहां का राजा सुखी, जहां का राजा सुखी वहां की प्रजा सुखी। द्वारपाल, और जहां की प्रजा दुखी वहां का राजा दुखी। द्वारपाल, हम हमेशा अपने इस फर्रुखाबाद की प्रजा को खुश नजर देखना चाहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुख का सामना नहीं करेगी। द्वारपाल, तुम जानते हो कि हमारी महारानी सुशीला थी जिनकी कोख से हमारा बेटा युवराज हरवंत सिंह ने जन्म लिया। आज वे महारानी एक बच्चे को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। कोख से जन्म लेने वाला हमारा बेटा बलवंत सिंह है जो इस वक्त शयाना हो चुका है और समय से कॉलेज जाता है और कॉलेज से समय से महल वापस आ जाता है। द्वारपाल, हमारा बेटा बलवंत सिंह महल में अच्छी तरह से पल रहा है। अब हमारे ना रहने के बाद हमारा बेटा बलवंत सिंह इस राज का उत्तराधिकारी होगा। द्वारपाल, हमारा बेटा कॉलेज से पढ़कर आ गया होगा, हमारे बेटे को कोई तकलीफ व दुख तो नहीं है। तकलीफ तो किस बात की होगी, उनको किसी बात की तकलीफ नहीं है। राजन, इस समय से स्कूल जाते हैं और इस समय से महल को आते हैं और सदैव हंसी खुशी नजर आते हैं। राजन, कौन ही दौर पाऊंगा, आइए दौर पाऊंगा।
आज तुम अचानक हमारे पास आए हो। नहीं बेटा, ऐसी छवि बनी हुई है। आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कमल जैसे खिला हुआ है। क्या बात है बेटा, आज आपका ये बेटा शिकार खेलने जाना चाहता है पिताजी। चाहिए आपके पास आया है। चाहता बेटा, अब तुम्हारा दिल इस माला में रहकर उब गया है, इसलिए तुम जंगल में आप फेट करना जाने चाहता हो। बेटे नहीं, तुम नहीं जानते कि जंगल में क्या होता है और कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेटे कि तेरे चीता खतरनाक है जानवर, इसलिए बढ़ती हिम्मत हमारे कुशल और इसलिए जानवर रहते हैं। पिताजी, आज आपका बेटा बलवंत सयाना हो चुका है, वो आज शिकार के लिए जाएगा। पिताजी क्या कहा बेटा, तुम्हारी ये जिद है और तुम हमारा कहना नहीं मानोगे और तुम जंगल में जाकर अखेट करोगे। ठीक है बेटा, अगर ये बात है तो जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं अखेट करके शाम तक महल वापस आ जाना बेटा। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। पल ये रहा हमारा इकलौता बेटा, हमारी आंखों का तारा बलवंत सिंह। इनके सिवा संसार में मेरे और कोई औलाद नहीं है। काश इन्हें शिकार खेलने जाने से रोक देता तो हमारे बेटे बलवंत सिंह के दिल में बहुत बड़ा गहरा ठेस लगता। द्वारपाल कहीं ना जल, हम बलवंत के आने का इंतजार करेंगे और द्वारपाल आज का रात दरबार यही समाप्त किया जाता है।
चढ़ते चढ़ते काफी दूर निकल गया, अभी कोई शिकार नहीं मिला। शिकार बहुत है मगर साले मिल नहीं रहे। आओ आओ थोड़ा दूर दूर और चलते हैं, दूर और चला जाए जहाँ मिले हुए चले का मारो काटो चलो। और माने के कहा भजन सुना चेला भजन फिरा
अच्छा अच्छा भी अच्छा लगे तो हमने गा दी सुना दू अरे भोले बाबा तुमको आना होगा और डम डम डमरू
बाबा जी उस फूल को गोली लगी जो गिरवा के बाबा जी मुझे माफ कर दो